उनका पूरा छानबीन होना चाहिए, किसलिए ऐसा हुआ, किसलिए पानी नहीं है, किसलिए ड्राइवर नहीं था, इसका पूरा छानबीन होना चाहिए। एक बार मीटिंग में भी हमने आईजीपी डीजीपी का वो मीटिंग में भी हमने बोला कि, और सीएम साहब का सामने में भी बोला कि हमको निजुली में फायर स्टेशन चाहिए। डिस्कशन करें तो बता दीजिए क्या डिस्कशन हुआ सर? नहीं, मीटिंग कल का जो हमारा मार्केट में जो नाहरलगुन मार्केट में दुर्घटना जो घटा है उसका लिए हम लोग रिव्यू मीटिंग लिया है। इसलिए रिव्यू मीटिंग लेना पड़ा कि हमारा जो वहाँ जो है माँ बहन है, जो विक्टिम है, उन लोग का विक्टिम में विक्टिम को आज मतलब जो रिलीफ से इमरजेंसी जो देने का था वो दे नहीं पाया। दे नहीं पाने का मतलब ऐसे था कि भारत सरकार का एक नियम है, जो विक्टिम है रिलीफ है उसको उन लोग का ही अकाउंट में डिस्पोज करना है, उन लोग का अकाउंट में ही डाल देना है। लेकिन कल से हम लोग अकाउंट जो है मार्केट का जो जितना जो बिजनेस कम्युनिटी है कल से हम लोग अकाउंट को मांग रहा है कि उन लोग अकाउंट नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसका रिव्यू मीटिंग करके अभी जो है आज शाम तक अभी जो है हमारा जितना जो रिलीफ डिपार्टमेंट है और डीसी साहब का जितना जो ऑफिसर है, एडीसी है, ईएसी है, सीओ है और रिलीफ ऑफिसर है, और जो हम लोग एक कमिटी भी गठन किया है उन लोग भी साथ में बैठेगा। आज शाम तक उन लोग पूरा ट्राई करेगा कि और जो उन लोग का जो डॉक्यूमेंट है उनको कलेक्ट करके कल हम लोग जितना मिलता है जितना अकाउंट मिलता है और कल दिन का कल शाम तक हम लोग डाल देने का कोशिश करने का, ये बात जो है हम लोग नंबर वन में लिया। और नंबर टू में हम लोग ये लिया है कि कल का जो मार्केट में जो हैपन हुआ है उसी में सभी मीडिया वाला लोग आकर बोला कि और जो मार्केट का हमारे जो माँ बहन है उन लोग भी बोला कि फायर स्टेशन सामने में है और खुद भी हम भी देखता है कि हम भी साथ में हैं, तो फायर स्टेशन तो दूर तो नहीं है, सिर्फ चार कदम का है, तो उसमें आग क्यों नहीं बुझा पाया। और हमारा जो मार्केट का जितना जो माँ बहन है उन लोग जब उस समय में पहुँच के उन लोग का हाथ उत भी जल गया आग बुझाने में, उन लोग को जाकर बोला है कि आप जैसे भी आप लोग आग को बुझा दो, तो उन लोग का कहने का मतलब था कि ड्राइवरे नहीं है और पानी ये गाड़ी में नहीं कैसे बुझाएगा, उन लोग ने ये बोला है बोला। इसलिए हम लोग ने मांग मतलब सभी का कहने का था कि इसका प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए और जो ऑफिसर सचमुच उनको उस ड्यूटी के लिए सरकार तनख्वाह देता है, सब कुछ देता है, उनका फैसिलिटी देता है, वो लेने का बाद में भी अगर वो ड्यूटी करना नहीं चाहता है वा वो ड्यूटी करने का अगर बिल्कुल नहीं चाहता है तो उन्हें मतलब उसमें फायर स्टेशन में उनको ऑफिसर बनाए रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब उनका अगर उस ड्यूटी में अगर उनको ड्यूटी करने का अगर उनका मूड में नहीं है तो उनका इतना कम बिजी है तो उनको बिजी में रहने देना चाहिए और उस फायर ब्रिगेड मतलब फायर ऑफिसर उसको बनाए रहना नहीं चाहिए। उनको चाहे सरकार जो भी उनको छानबीन करके देखना है, अगर उनका अगर पोल्स मिलता है करीब से करीब उनको एक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये वो मांगता। इसीलिए जो है हम कल से भी बोला आज भी हम वही बोला कि उसको दो ऑफिसर का सस्पेंड हुआ और बाकी जो बच्चा है उनको भी उनका लाइन में जैसे भी ले आना है वो एक बात था और वो करना है और उसका प्रॉपर किस लिए ऐसे किया इंक्वायरी होना चाहिए। और मेरा एक और भी एक जो है आज भी बोला और हम कल भी बोला था, आज भी कमिटी को भी आज हम एसपी साहब को भी फिर हम बार बार नाहरलगुन ओसी नाहरलगुन जो एसपी को बार बार हमारा ये रिक्वेस्ट किया कि छानबीन में जाना चाहिए। कल बहुत लोग ने जो हमारा जो मार्केट का जो माँ बहन है गुस्सा से कोई ये बिल्डिंग नया बनाएगा बोल के बोला था और बोलने का साथ साथ आज जो है घर को आग लग गया, ये इसमें फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा दिया, गुस्सा में कुछ बोला है, तो इसका बात हम अलग तौर तरीका में हम सुनने का समझने का कोशिश करता हूँ।
कुछ लोग ने बोला कि कुछ अच्छा अच्छा लोग, अच्छा अच्छा लीडर लोग, कुछ कुछ अच्छा अच्छा बिजनेसमैन लोग, उन लोग ने आकर बोला, कुछ अच्छा अच्छा एसोसिएशन का जो लीडर लोग ने आकर बोला कि पक्का ये तो किसी ने लगाया हुआ, पक्का किसी ने लगा के ये जलाया होगा, किसी किसी ने बोला है। तो हमारा कहने का मतलब जो है, हम हमेशा यहाँ का विधायक होने का नाते व यहाँ का सीनियर सिटीजन होने का नाते, यहाँ का जो जन्म होने का नाते, हम हमेशा साफ सुथर चाहता है। हमने सरकार से ये मांगा था कि एक आप अच्छा खासा पांध दे दीजिए और इसको हम लोग G+3, G+4 बना के हमारा जो मार्केट में जो माँ बहनें हैं उनको हम उन लोग को जो आज पुता पुता मार्केट में बैठा है उनको अच्छा बिल्डिंग का घर में बैठ के बिजनेस करने देगा बोल के वो मेरा एक सोच था। और सरकार उस हिसाब में हमको एलोकेशन दिया और टेंडर भी हुआ। तो उन लोग को इसलिए हमने बोला था कि आप लोग इसमें ज़्यादा हमारा साथ दो और हम लोग आप लोग को एक साल के लिए शिफ्टिंग करके कहीं दूसरा जगह में बेचने देगा और हम लोग जो है आपको जब बन के ख़त्म होगा सब एकदम 100% आप ही कोई ही वहाँ जो एकोमोडेशन करेगा बोल के हमने बात रखा था। और वो बात तो था, कल किसी किसी ने आकर बोलता है कि किसी ने पक्का आग लगाने दिया होगा, किसी ने आग लगाया होगा, कोई कोई लीडर लोग ने भी बोला है और कोई कोई यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी बोला है। उस बात को हम भी मानते हुए हम पुलिस डिपार्टमेंट से, होम डिपार्टमेंट से हम आज भी रिक्वेस्ट करता है कि उसका प्रॉपर कहाँ से आग निकला, कैसे जला, उसका पूरा प्रॉपर इंक्वायरी करना है। और क्या जाने हो जो जो लोग बोला है कि जो लीडर लोग, जो कोई कोई लीडर लोग भी बोला है, कोई कोई अच्छा लड़का लोग भी बोला है कि पक्का लगाया होगा, पता नहीं है क्या जाने उन लोग के पास में भी कुछ सोर्स हो सकता है। आप लोग मीडिया का थ्रू भी उन जो जो बोला है, कल भी आप लोग रिकॉर्डिंग तो लिया और वो यहाँ जो है हर आदमी का मोबाइल में है, उसको देखते हुए उस आदमी को आप लोग घर में भी जाकर पूछना है आपका पास कोई सोर्स है क्या। मतलब एक मार्केट को आग लगाने का अगर उन लोग बोला कि किसी ने लगाया होगा तो इसीलिए उन लोग को भी पूछना है, आप लोग का त्रोदी भी उनको छानबीन करना है और पुलिस डिपार्टमेंट क्लियर कट उसको छानबीन करना है। क्या जाने उसका पास पहले से भी सोर्स था होगा और क्या जाने उनका पास कोई वो आग लगाने वाला को देखा भी होगा, क्या जाने वो कुछ जानता भी होगा, वो इसी को भी छानबीन करना चाहिए। ये मेरा ओर से रिक्वेस्ट है और डीसी साहब से सामने में, ईएसी साहब सामने में, हम तो हमेशा साफ सुथर चाहता है। और मेरा ये चाहता है कि हम रिलीफ जो विक्टिम है जो हमारा मार्केट में जो विक्टिम है उनको जल्द से जल्द हम लोग देने चाहता है, सरकार देने के लिए चाहता है और हम लोग दे नहीं पा रहा है। एक गाइडलाइन है और जो हमारा जो विक्टिम जितना विक्टिम है उन लोग हम लोग को अभी तक 91 नंबर नहीं दे रहा है और 91 नंबर जैसे मिलेगा हम लोग तनातन एकदम 4G स्पीड में हम लोग उनका अकाउंट में धनाधन जो रिलीफ का जो मिलना है, हाँ विक्टिम लोग को जो मिलना है एकदम धनाधन में हम लोग भेजने का कोशिश करेगा। और जो बाकी जो जिसका प्रॉपर्टी जो लॉस हो गया उसका असेसमेंट होगा, उसका थोड़ा से टाइम लगेगा, वो जो है फिर पायल मोमिन होता है वो थोड़ा से टाइम लगेगा, उसका भी हम लोग एकदम जल्द से जल्द करने का कोशिश में है और अभी लगा हुआ है। डीसी साहब खुद अपना ऑफिसर लोग को बोला है अभी नीचे पोलर में ये सब काम आज रात भर करेगा और उन लोग को विक्टिम तक हम लोग कल तक मुहैया पहुंचाने का कोशिश करेगा। नहीं उसका हमने अभी आपको इंटरव्यू दिया है कि उनका पूरा छानबीन होना चाहिए, किस लिए ऐसा हुआ, किस लिए पानी नहीं है, किस लिए ड्राइवर नहीं था, इसका पूरा छानबीन होना चाहिए। और अभी हम लोग सुनने में आया दो ऑफिसर ऑलरेडी सस्पेंड हुआ, तो जो बाकी जो है उसमें दूती में कौन कौन था उनको भी किया जाना चाहिए। अगर दोषी नहीं पाता है तो वो दूती में नहीं था तो वो बात अलग है। क्योंकि हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि उनका लिए वो प्रॉब्लम का लिए किसी का घर में आग लगने से कहीं इमरजेंसी में उनको आग बुझाने के लिए इसलिए उसको सरकार ऑफिसर का रैंक में उनको रैंक दिया गया है
और उनको रहने का खाने पीने का सब कुछ दिया हुआ है, तंगा देता है, उसका लिए देता है। उनको गाड़ी में पानी नहीं डाल के, घर में सोते रहने के लिए, घूमते रहने के लिए, में बिजी में रहने के लिए, उसका लिए तो सरकार तनख्वाह नहीं देता है। अगर तनख्वाह देता है तो काम को दूती करना उनका पर्स बनता है। तो इसलिए अगर उसमें अगर वो अगर कामयाब नहीं है, कर नहीं पाता है, तो उस आदमी को इस फायर स्टेशन में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आप समझ गया सर, हम आपने लोकल डिमांड किया सर, ये निर्जली में भी फायर स्टेशन होना चाहिए। आप हो गया पहले से भी बहुत बार मूव किया है कि निर्जली में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, और अभी जैसे कल का इंसिडेंट हो गया सर, फायर स्टेशन के आगे आग लगता है। और ये हम कम से कम 5-6 साल पहले से लिखा हुआ है, और बहुत बार मीटिंग में भी हमने IGP DGP का वो मीटिंग में भी हमने बोला कि, और CM साहब का सामने में भी बोला कि हमको निर्जली में फायर स्टेशन चाहिए। हाँ, और हो नहीं होने का वजह हमको बहुत प्रॉब्लम आता है, वो भी मांगा। वो अभी पाइपलाइन में होगा, इंटर अरुणाचल को उन्नु देने का बात किया था, उसमें किया जाने हो पाइपलाइन में मेरा भी हो सकता है, क्योंकि मेरा यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, हमको प्रायोरिटी में मिलना चाहिए। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ, अगर उस पाइपलाइन में अगर नहीं भी है तो सरकार आज का जो काल का घटना को देखते हुए हमको निर्जली में भी एक नहीं दो 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 गाड़ी का प्रोविजन रख देना चाहिए। सर कल हम लोकल ओरोटलोक से बात किया, मैं खुद हूँ, मैं 3-4 तारीख या 6 तारीख को हमने उन लोग से बात किया, मीटिंग किया। उस मीटिंग में हमने क्लियर कट बोला कि ये हम एक परमानेंट बिल्डिंग बनाएगा, सरकार हम लोग मांग रखा है तो पैसा दिया है, तो जैसे हम लोग जो है शिफ्टिंग करने का, आप लोग को पूरा प्रोविजन बना के शिफ्टिंग करने का, घर वो रेडी होने का बाद में आप लोग को हम लोग शिफ्टिंग करने का बाद घर स्टार्ट करेगा, ये बात हमने बोला। लेकिन कल का डेडलाइन कोई कहीं हम लोग लिख के दिया भी नहीं है, और कल का डेडलाइन हम लोग 25 का कोई जगह में वो नहीं है। हाँ, सिर्फ उस दिन हम लोग आया था कि जो जमीन को सोइल टेस्ट करने के लिए, वो उसी का प्रॉब्लम नहीं देने के लिए सरकार एक अच्छा चीज़ बना के अपना माँ बहन को देने के लिए जब जा रहा है तो आप लोग हमारा साथ दो, ये हमने अपील किया, और मैं आज भी कायम है, हम लोग बना के देगा। थैंक यू।